हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज आप देख ही रहोगे हमारा थोड़ा सा सेटअप थोड़ा सा हमारा अलग है, क्योंकि जो वो सेटअप है उसमें मुझे ना मतलब नीचे बैठना पड़ता है और कुछ बिछा के, और थोड़ी सी ठंड हो रही थी आज ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि दूसरे जगह पे सेटअप करके वीडियो बना लेते हैं जहाँ पे नीचे ना बैठना पड़े कुछ बिछा के। तो इसलिए मैं बेड पे ही शूट कर रही हूँ, मेरा सेटअप अलग है आज। एंड स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और सबसे पहले हम क्या ओपन करें, मेरे पास सामने ना बहुत सारे पैकेजेस रखे हैं, तो सबसे पहले हम उठाते हैं फ्लिपकार्ट का पैकेज उठाते हैं। काफ़ी टाइम से ना फ्लिपकार्ट की कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो फ्लिपकार्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक तो ना ये ऐसे जो पेपर वाले पैकिंग आते हैं ना, उसमें मेरे को ये डर लगता है कि एक तो ये नीचे वाला कपड़ा ना कट जाए, और दूसरी चीज़ जो ओ देखो कितना शार्प चल रहा था, यहाँ पे भी कट आ गया। और दूसरी ओ थोड़ा आराम से करते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो इसके अंदर जो सामान है ना वो ना कट जाए, तो इसलिए ना वो बॉक्सेस वाली पैकिंग होती है ना वो ज़्यादा सही रहती है, उसमें कुछ भी सामान कटने का कोई भी ऐसा डर नहीं रहता। मतलब मेरे को वो ज़्यादा सही लगती है। ये क्या निकला आज हमारे पास, ये क्या है, एक सेकेंड, विक्टर कंपनी के हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल ग्लव्स। अच्छा, इसका मतलब जो वो फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, मैंने देखा है फैक्ट्रीज़ के अंदर वो कुछ काम वगैरह कर रहे होते हैं लेबर, तो उनके हाथ में ग्लव्स होते हैं, क्या वो वाले ग्लव्स हैं ये? लेट्स सी, 15 लेंथ, ओके, 15 लेंथ है, तो फिर इसका मतलब ये फ्री साइज़ है, मतलब सबको आ जाएगा, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, सबको ये आ जाएगा। और फ्लोक लाइंड क्या होता है मेरे को नहीं पता। बीडेड कफ, लॉन्ग लास्टिंग, बीडेड कफ का मतलब भी मेरे को नहीं पता, और लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक के लिए आपके चलेंगे। प्योर लेटेक्स क्वालिटी, अच्छा, लेटेक्स एक मटेरियल होता है जो बहुत अच्छा माना जाता है ग्लव्स वगैरह के काम के लिए। उससे अगर आप कुछ समझो कि आप घर में कोई काम कर रहे हो और घर में यूज़ के लिए गर्म चीज़ का, अगर आप कुछ ग्लव्स से पकड़ के आप कोई गर्म चीज़ उठा रहे हो या रख रहे हो, तो उसमें शायद ये चिपकेगा नहीं, शायद ऐसा कुछ होता होगा। बट मेरे को इसका क्लियर मीनिंग नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि जो लेटेक्स मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है ग्लव्स वगैरह के लिए, मतलब काफ़ी वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है ग्लव्स की, तो इसके अंदर भी लेटेक्स मटेरियल है। और एसिड एंड एल्काइल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये उस हिसाब से बनाया है जो इंडस्ट्री के अंदर वो जैसे चेन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं और पोल्स वगैरह बनाने की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनको एसिड वगैरह के अंदर से निकालते हैं, तो उस हिसाब के ये बनाए हुए हैं। तो क्या इसको हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं? घर में भी यूज़ कर सकते होंगे, क्योंकि जब हमने ऑर्डर किया था तब तो उसके ऊपर यही लिखा हुआ था कि ये घर के यूज़ के लिए ग्लव्स हैं, तो इसका मतलब इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो होते तो ऐसे ही हैं शेप के, इसी कलर के, बाकी मुझे पता नहीं। फ्लेक्सिबल एंड कंफर्टेबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी साइज़ को ये फिट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर अच्छी, और कंफर्टेबल मतलब अगर आप पहनोगे तो कंफर्टेबल रहेगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया।
अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ओपन तो करके देखना ही चाहिए ना, खाली पढ़ने पढ़ने से थोड़ी होता है। अच्छा यहाँ से खोल लें क्या, यहीं से खोल लेते हम। कट लगा नहीं ज़्यादा ज़ोर से, मैं कट लगा नहीं रही, पता चले नीचे वाला सरफेस कट जाए या फिर ग्लव्स कट जाए। ओह बड़ा सॉफ्ट सा है, बहुत ही ज़्यादा रबड़ जैसा सा फील है और एकदम सॉफ्ट सा लगा। खुशबू से भी आ रही है कि इसके अंदर कोई स्मेल से भी है। गंदी सी स्मेल है। गंदी सी क्या, मतलब जैसे अगर आप डेंटिस्ट वगैरह के पास गए होगे तो आपने देखा होगा उनके ग्लव्स में ना एक रबड़ जैसी सी स्मेल आती है, जैसे बलून्स में आती है। जब बलून्स आप फुलाते हो काफ़ी टाइम तक तो आपके मुंह से, आपने नोटिस किया होगा आपके मुंह से जब आप बोलते हो या सांस लेते हो तो एक स्मेल आने लग जाती है रबड़ की, वैसी सी है। ठीक है, इतनी गंदी भी नहीं है, धीरे धीरे काम करोगे तो चली जाएगी। हाँ यार ये ग्लव्स हैं तो वैसे से ही जैसे वो इंडस्ट्री वगैरह में लोग काम नहीं करते, वो जो लेबर होती है वो काम करती है, उन्होंने भी ऐसे ही पहन रखे होते ना, यहाँ यहाँ तक के ग्लव्स पहन रखे होते, उन्होंने ऐसे ही चौड़े चौड़े होते हैं वो भी। इसको पहन के देखें, बाकी डिज़ाइन तो इसका बहुत अच्छा है, ऊपर फ्लावर बने हुए हैं, लड़कियों का बहुत मन लगेगा इसको पहन के काम करने में। एल लिखा हुआ है इसके ऊपर, लार्ज साइज, शायद लार्ज साइज है इसलिए उसके ऊपर एल लिखा हुआ है। बट वहाँ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे तो उसके ऊपर तो वो लिखा था फ्री साइज, फ्री एल एस का क्या मतलब है, या तो लाइट लेफ्ट राइट हो, एल एस क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो। बाकी चाइनीज से लिखा हुआ है इसके ऊपर, चाइनीज मटेरियल है। चलो इसको पहन के देखते हैं, ये फ्लावर ऊपर आना चाहिए ना, तो इस हाथ में आएगा ये। इसमें वॉच है, मैं इसमें ही पहन के देखती हूँ, ये वाला पहन के देखती हूँ। वैसे अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी मतलब फिटिंग के भी हैं। ठीक है, मतलब कोई भी इसको पहन सकता है, तो मतलब काफ़ी फिटिंग के है। अगर इस मेरे से किसी का मोटा हाथ होगा तो उसको भी ये फिट हो जाएगा, और मुझसे पतला होगा तो उसको भी फिट हो जाएगा, सबको फिट हो जाएगा। स्ट्रेचिंग देखें, हाँ ये देखो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच तो हो रहा है काफ़ी, ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, तो मतलब फिट तो हो जाएगा ये। ठीक है, साइज का है, ठीक है, अच्छा है काम वगैरह करने के लिए। घर में जैसे सर्दियाँ हैं तो अगर कपड़े वगैरह धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, अपना आराम से बर्तन मांजो। हल्की सी इसके अंदर यहाँ पे स्क्रब करने के लिए इसके अंदर ये हल्की सी यहाँ पे जाली भी दी हुई है, अगर आप बर्तन वगैरह मांजते हो तो ये थोड़ा सा साफ भी कर देगा, सही रहेगा। डिज़ाइनिंग लगा लो या फिर स्क्रैपर लगा लो, स्क्रबर लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। बाकी नॉर्मल ग्लव्स है ये, डिश वॉशिंग ग्लव्स है। ठीक है, एंड ये देखो मुझे ये बिल्कुल कोने तक आ रहा है, तो इसकी जो लेंथ है वो भी प्रॉपर है, तो मेरे को तो अच्छे लगे ये ग्लव्स। ठीक है, और कहीं से कुछ कटा फटा भी नहीं आया, मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल प्रॉपर है, क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी। बाकी फिटिंग के भी आए हैं और कलर्स भी इसमें काफ़ी हैं, आप देख सकते हो। कॉस्ट भी इसकी कमी पड़ी है, 199 या 249 तक के आपको ये मिल जाएंगे। फ्लक्चुएट कर रहा था प्राइस, कभी 149, कभी 199, कभी 249, तो आपको मिल जाएगा उस हिसाब से। और बाकी मेरे को ठीक लगा, क्वालिटी ठीक लगी इसकी, पहनने में भी ठीक है, सॉफ्ट है, स्किन पे भी मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। इसको पहनने के बाद कोई स्वेटिंग वगैरह भी मेरे को नहीं हो रही। ठीक है, बाकी होगी तो होगी भाई, काम करने में स्वेटिंग तो होती ही है। ये है कि पैसा लगाओ तो चीज़ अच्छी आनी चाहिए, वो वसूल होना चाहिए पैसा, और मुझे तो अच्छे लगे ये ग्लव्स। आप लोग भी ले सकते हो, अगर आप लोग घर के काम करने के लिए कोई ग्लव्स अगर लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। ये वो वाले ग्लव्स नहीं है, माइक्रोवेव वाले, मुझे नहीं लगता ये माइक्रोवेव वाले ग्लव्स हैं,
और मेरे को ये भी नहीं लग रहा कि ये गर्म चीज़ उठाने वाले ग्लव्स हैं। वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एसिड वगैरह का काम करने के लिए ये ग्लव्स काम आते हैं, बट मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि अगर हम गर्म टोपिया इससे उठाते हैं घर का काम करने के लिए, या कोई होता है ना कि टोपिया है, टोपी में पानी गर्म हो रहा है, हम उठाना चाहें तो ये ग्लव्स पहन के हम उठा सकते हैं, यानी हीट रेजिस्टेंट है या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, वो तो इसको पहनने के बाद पता चलेगा। बाकी माइक्रोवेव वाला सिस्टम भी इसका नहीं है, बस ये नॉर्मल है कि नॉर्मल घर के काम करने के लिए आप इसको पहन सकते हो, जैसे कि आपके हाथ गंदे ना हो, आपका हाथ के में और कोई आप चीज़ क्लीन कर रहे हो कुछ भी, तो उसके बीच में एक टाइडीनेस के लिए एक चीज़ रहेगी ग्लव्स, ठीक है, एक लेयर रहेगी, तो आपके हाथ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, तो वो हो सकता है। बाकी और नॉर्मल घर की साफ सफाई के लिए ही है, जैसे मैं हूँ, मेरे को एलर्जी है मिट्टी से, ठीक है, मुझे स्किन एलर्जी है मिट्टी से, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मुझे कुछ क्लीनिंग का काम करना है, मुझे झाड़ू लगानी है, या मुझे कुछ ब्रश से उठाना है, या मेरे को कुछ भी करना है, ठीक है, तो मैंने ये ग्लव्स पहने और मैंने मेरा काम किया, जो भी डस्ट वगैरह इस ग्लव्स के ऊपर आ गया, ग्लव्स को पानी में निकाल के सुखा दिया, ख़त्म। मुझे मेरी स्किन पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा उस चीज़ का, तो ये उस चीज़ के लिए है, तो ठीक है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी हमने तो उसको ना सर्दियों के पर्पज़ से ही ऑर्डर किया था, कि सर्दियों में क्या होता है ना, पानी के नीचे ना हाथ नहीं डाला जाता, बहुत ठंडा होता है पानी, और बीमार भी पड़ जाते हैं ठंडे पानी से, तो हमने सोचा कि यार एक ग्लव्स मंगा लिए जाए, एक ग्लव्स मंगा लेते हैं जिससे कि पानी का साथ डायरेक्ट ठंडे पे कांटेक्ट नहीं होगा, थोड़ा एक लेयर आ जाएगी बीच में तो अच्छा रहेगा, और इसलिए हमने ग्लव्स मंगा लिए। बाकी तो आप लोग भी अगर कोई ग्लव्स ऐसे मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो इसको, ठीक है, इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, और दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही था हमारे पास, एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ, और आज के लिए टाटा, एंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।